हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आईटी सेशन लैब। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे जो कि सभी कंपनीज और सभी स्कूलों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, और भी इस समय जब COVID-19 का लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिससे आपके सभी कंपनियों के एम्प्लॉई जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्टूडेंट जो अपने घर पर रह रहे हैं, जो कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सबके सामने ये समस्या आ रही होगी कंपनी और स्कूलों के पास कि हम अपने स्टूडेंट्स और अपने एम्प्लॉयों को से कैसे कॉन्फ्रेंस कर लें, कैसे उनको ट्रेनिंग दें, कैसे उनको क्लास अटेंड करा सकें या जो अपनी क्लासें उनको बता सकें। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। वैसे तो ओपन सोर्स बहुत सी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ वो है बिग ब्लू बटन। इसमें मैंने कंपैरिजन किया काफ़ी सॉफ्टवेयरों से, तो ये काफ़ी हमको अच्छा लगा। इसमें वीडियो वेब कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ऑनलाइन चैट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और किसी तरह का भी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, डेस्कटॉप शेयरिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में आप चैटिंग भी कर सकते हैं। तो इससे टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को एज ए क्लास, जैसे क्लास में टीचर्स अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसी तरह वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, और कंपनी इसके थ्रू अपना वेब मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और ट्रेनिंग अपने जो वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉई हैं तो उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और जो कि फ्री है ये सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करें और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। बिग ब्लू बटन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा वह Ubuntu 16.04 64-bit OS वर्जन चाहिए, और 4GB या उससे ज़्यादा एटलीस्ट 8GB मेमोरी होनी चाहिए, क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए, और कुछ फायरवॉल के पोर्ट जैसे 80/443, 1935 और 7443, इस तरह के पोर्ट्स अलाउ होनी चाहिए। ये तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो आप जब भी रेडी करेंगे, तो अगर आपके यहाँ फायरवॉल वगैरह यूज होते हैं तो आपको इनको अलाउ करना पड़ेगा, और विंडोज में भी ये अलाउ करना होगा। और अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि आपके सभी जो इवेंट या कॉन्फ्रेंसिंग हो वो रिकॉर्ड हो इवेंट्स, तो उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितना ज़्यादा आप स्टोरेज रखेंगे तो उतना ज़्यादा रिकॉर्ड होगी, लेकिन वैसे मिनिमम 40GB का भी अगर स्टोरेज है तो सफिशेंट है। और बैंडविड्थ, इंटरनेट की बैंडविड्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मैं एक VPS क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक VPS क्रिएट कर देते हैं, VM इंस्टॉल्स, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं इंस्टेंस का, और यहाँ पे एक कस्टम। अभी मैं सिर्फ 1 CPU ही ले रहा हूँ, वैसे नॉर्मली क्वाड कोर प्रोसेसर चाहिए तो मैं एक वर्चुअल CPU ही ले रहा हूँ मिनिमम इंस्टॉलेशन के लिए। और
4 GB रैम, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा उबंटू 16.04, और स्टोरेज हम 40 GB ले रहा हूँ। अभी मैं जस्ट फॉर टेस्ट के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो आपको ज़्यादा स्टोरेज अलॉट करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस रिकॉर्डिंग को भी आप अपने सर्वर पे स्टोर कर सकें। तो मैं इसमें 40 GB ही लिया है, और सेलेक्ट इसमें HTTP और HTTPS ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं। यस, तो ये VM क्रिएट हो गया। अब इसको हम SSH करते हैं। यस, ये हमारे SSH का विंडो आ गया। यहाँ पर सबसे पहले हमें पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाइट फाइल VPS में विदाउट पासवर्ड होता है, तो हम इसको पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड सेट हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यस, ब्लू बिग ब्लू बटन के लिए बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, EN_US.UTF-8। तो डेट्स ओके, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज डिफॉल्ट नहीं है तो आपको लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करने होंगे और इस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका EN_US.UTF-8 अगर लैंग्वेज नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इसको करेंगे। उसके लिए आपको sudo ये कमांड चलानी होंगी। मैं इसमें डाउनलोड हो जाएगा और डिफॉल्ट लैंग्वेज ये सेट हो जाएगा। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन, ये जो जितने भी मैं कमांड इसमें रन कर रहा हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको इजी रहे इसको कि आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो अभी इस कमांड को हम नहीं चलाते हैं, क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पे मल्टी सर्व रिपोजिटरी को ऐड कर देता हूँ। यस, मल्टीवर्स रिपोजिटरी को ऐड कर दिया। नेक्स्ट, और इसके बाद जो है बिग ब्लू बटन की को भी ऐड करना होता है। उसके लिए आपको ये कमांड चलाने होते हैं, गेट, यस। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होगा, आपको बिग ब्लू बटन की रिपोजिटरी को भी ऐड करना होगा। यस, बिग ब्लू बटन रिपोजिटरी भी ऐड हो गया। अब इसके बाद जो है इस OS को रिपोजिटरी ऐड करने के बाद हम अपडेट कर देते हैं।
यस, ये जो है उबंटू 16.04 फाइनली अपडेट हो गया है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप्स होगा अब जो बारी है वो है बिग ब्लू बटन का इंस्टॉलेशन। तो बिग ब्लू बटन जो इंस्टॉलेशन होता है वो रूट यूजर से होता है। तो सबसे पहले हम रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। यस, उसके लिए जो कमांड है डाउनलोड करने और इंस्टॉलेशन के लिए वो ये है। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपका ये जो है वर्जन नंबर है जो कि 2.2 चल रहा है, इसलिए 22 है। और ये आपका डोमेन नेम है, एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे डोमेन नेम ले लीजिए या एक सब डोमेन भी उसका ले सकते हैं। और ए रिकॉर्ड क्रिएट करके जो इसकी पब्लिक आईपी हो वीएम की या जो आपके पीसी की, उससे आपको मैप करनी होगी। और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी ये सर्टिफिकेट रजिस्टर करने के लिए। बाकी एज इट इज़ ये कमांड आपको रन करनी होगी। आप यहाँ पे मैं अपना एक कोई ईमेल आप इसमें मेंशन कर देंगे और फिर इसके बाद ये कमांड चलाते हैं। ये स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस। फाइनली मैं देख रहा हूँ कि बिग ब्लू बटन इंस्टॉल हो गया है, लेकिन इसमें एक वार्निंग आया हुआ है कि वार्निंग फाउंड ओनली वन कोर सीपीयू, वेयर दिस सर्वर शुड हैव एटलीस्ट 4 CPU कोर टू रन बिग ब्लू बटन इन प्रोडक्शन। तो ये है कि प्रोडक्शन के लिए आपको क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ ही ये इंस्टॉलेशन कीजिएगा। अब इसको हम चेक करते हैं अपने उस पे, तो वेब फाइनली बिग ब्लू बटन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि बिग ब्लू बटन में और क्या सेटिंग्स करने होते हैं, जैसे आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि पब्लिकली कोई अकाउंट ना क्रिएट कर सके, रूम क्रिएट ना कर सके, और अप्रूवल बेस्ड हो और पासवर्ड बेस्ड हो ज्वाइनिंग के लिए, और ज्वाइनिंग का क्या क्या रूल हम लगा सकते हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या प्रिविलेज दिया जा सकता है क्लास स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉई को जो ज्वाइन कर रहा है मीटिंग्स को, और काफ़ी सेटिंग्स इसमें करने होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सिस्टम लाइव।